हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हम देखवाने दोस्तों सूर्यदास जी का जीवन परिचय काफी साल भाषा में और दोस्तों ऐसे बताएंगे कि आप लोग को एक बार में याद हो जाएगा तो चलिए इसको तो देख लेते हैं वीडियो का इंटरेस्ट होने वाली है आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों ये रहा इनका जीवन परिचय तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीवन परिचय उसके बाद हम लोग देखेंगे रचनाएं तो दोस्तों जीवन परिचय काफ़ी इंपोर्टेंट है क्योंकि आप लोग दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बार पूछा गया है कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों भक्ति कालीन महाकवि सूरदास का जन्म दोस्तों भक्ति कालीन महाकवि सूरदास का जन्म रौनकता नामक ग्राम में चौदह सौ ईस्वी में पंडित रामदास जी के यहाँ हुआ था और पंडित रामदास सात ब्राह्मण थे और कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं दोस्तों सूरदास जन्म से अंधे थे यानी जन्मांध थे और या नहीं इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है दोस्तों विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म बाइडन सूर्यदास जी ने किया है वैसा बाइडन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे वे हिंदी भक्त कवियों में सरोमी माने जाते हैं दोस्तों सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौघाट आए और उन्हें स्वचरित दोस्तों स्वरचरित स्वरचित एक पद गाकर सुनाया बल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया और सूर्यदास की सच्ची भक्ति और पद की रचना की निपुणता देख बल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंपा तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया और सूर्यदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे बल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूर्यदास जी दीनता के पद गाया करते थे और बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे दोस्तों सूर्यदास जी की मृत्यु पंद्रह सौ तेरासी ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में हुई थी तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इनका थोड़ा सा साहित्यिक परिचय देख लेते हैं उसके बाद हम लोग की जो है कृतियाँ देखेंगे तो दोस्तों सूरदास जी महान दोस्तों सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न कवि थे और कृष्ण भक्ति को ही इन्होंने काव्य का मुख्य विषय बनाया इन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप की प्रति सखा भाव की भक्ति का निरूपण किया है और इन्होंने मानव हृदय की कोमल दोस्तों कोमल भावनाओं का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है अपने काव्य में इन्होंने भावनात्मक दोस्तों भावात्मक और कलात्मक पक्ष दोनों पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है अभी हम लोग उनकी कृतियों के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों भक्त श्रोमणि सूरदास जी ने लगभग सवा लाख पदों की रचना की थी जिनमें से केवल आठ से दस हज़ार पद ही प्राप्त हो पाए हैं और काशी नगरी दोस्तों काशी नगरी पेचारी सभा के पुस्तकालय में ये रचनाएं सुरक्षित हैं पुस्तकालय में सुरक्षित रचनाओं के आधार पर सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या पच्चीस मानी जाती है किंतु इनके तीन ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं दोस्तों इनमें ग्रंथों में है सूरसागर सूरसारा सूर सारावली साहित्य लहरी तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं सूरसागर के बारे में तो दोस्तों यह सूरदास जी का एकमात्र प्रमाणिक कृति है और यह एक गीति काव्य है जो श्रीम दोस्तों जो भागवत ग्रंथ से प्रभावित है और इनमें कृष्ण की बाल लीलाओं गोपी प्रेम गोपी ब्रय उद गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस बाइडन है चलिए दोस्तों अभी हम लोग देख लेते हैं सूराबली के बारे में दोस्तों सूर सूराबली तो दोस्तों यह ग्रंथ सूर्य सागर का सार भाग है दोस्तों जो अभी तक विवाद दोस्तों विवाद स्पष्ट मतलब स्पद इस स्थिति में है किंतु यह भी सूर्यदास जी की एक प्रमाणिक कृति है इसमें एक हज़ार एक सौ सात पद हैं तो दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं इनकी साहित्य लहरी के बारे में दोस्तों यार अगर हम लोग इनके साहित्य लहरी की बात करें तो दोस्तों साहित्य लहरी में एक सौ अठारह दृष्ट कूट पदों का संग्रह है तथा इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है कहीं कहीं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन तथा एक दो स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक भी मिलती है अभी हम लोग देख लेते हैं इनकी भाषा शैली तो दोस्तों सूरदास जी अपने पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है दोस्तों सूरदास जी ने अपने पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इन तथा इनके सभी पद गीतात्मक हैं जिस कारण इसमें माधुर्य गुण की प्रधानता है और इन्होंने सरल एवं प्रभाव दोस्तों प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है इनका काव्य मुक्तक शैली पर आधारित काव्य मुक्तक शैली पर आधारित है और व्यंग्य वक्रता और दोस्तों दोस्तों बागिब दोस्तों बागिब दगता सूर्य की भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं दोस्तों कथा बाइडन में वर्णात्मक शैली का भी प्रयोग किया है और दोस्तों दृष्ट पदों में फिर भी दोस्तों क्लिष्टता दोस्तों क्लिष्टता अवश्य आ गई है अभी हम लोग देख लेते हैं इनका साहित्य में स्थान तो दोस्तों सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे और इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का जो मनोरम चित्रण किया है वह साहित्य में अद्वितीय है और हिंदी साहित्य में बात्सल्य बाइडन एकमात्र कवि सूरदास जी को ही माना जाता है और साथ ही इन्होंने ब्रय बाइडन का भी अपनी रचनाओं में बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है तो दोस्तों यही सब था और यही था काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि सूर्यदास जी का है और दोस्तों यह कक्षा दसवीं की यूपी बोर्ड का है तो आप लोग यूपी बोर्ड में भी लिख सकते हैं और इस मतलब जीवन परिचय तो एक ही होते हैं चाहे आप यू बोर्ड में लिख सकते हैं और एम बोर्ड दोनों में लिख सकते हैं तो दोस्तों ये कुछ इनका संक्षिप्त परिचय है तो वो भी आप लोग दे सकते हैं हालांकि आप लोग देखिए तो बाकी दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसे कमेंट करके जो बताना अगर वीडियो पसंद भी लाइक ना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है क्योंकि दोस्तों बहुत ही जल्द हम अपने बीस के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं